आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया भर में भारतीय मसालों की महक तेजी से फैल रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मसालों के निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों के साथ ही साथ देश को भी फायदा हो रहा है। सरकार की तरफ जारी आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2013 में जहां अदरक, केसर और हल्दी सहित कुछ और मसालों का निर्यात 260 करोड़ रुपए था, वह अब बढ़कर 761 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। इससे किसानों और व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। किसान खासकर कीमत मिलने से अधिक रकबे में खेती की योजना बना रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय मसालों की मांग विश्व भर में बढ़ी है और निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 8 साल में हल्दी, अदरक और केसर के निर्यात में करीब 192% की वृद्धि हुई है। अप्रैल मई 2013 में इन तीनों मसालों का निर्यात जहाँ 260 करोड़ रुपए का हुआ करता था, अप्रैल मई 2022 में वह बढ़कर 761 करोड़ रुपए हो गया है। मसाला उन कृषि उत्पादों आता है जिनके उपयोग से भोजन को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली गुणवत्ता पूर्ण मिट्टी में सभी प्रकार के मसालों की खेती होती है। भारत में उगाए गए मसालों का स्वाद भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनके अद्भुत स्वाद और सुगंध की वजह से भारत में मसालों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल मसाला निर्यात में 40% से अधिक और मूल्य के आधार पर 29% हिस्सेदारी है। निर्यात में हल्दी की हिस्सेदारी मात्रा के आधार पर 11% और मूल्य के आधार पर 6% है। भारत से करीब 140,000 टन हल्दी का निर्यात होता है जिसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं कोविड महामारी के दौरान हल्दी और काली मिर्च आदि का उपयोग करके बनाए जाने वाला सुनहरा दूध इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यंजनों में शामिल हुआ। विश्व में हल्दी के उत्पादन में भारत का मुख्य स्थान रहा है जिस कारण से इसका निर्यात भी किया जाता है। देश के सभी राज्य में इसकी खेती होती है। दक्षिण भारत और उड़ीसा में इसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है। देश में स्थित विभिन्न अनुसंधान केंद्र द्वारा अधिक उपज देने वाली रोग रोगी किस्म विकसित की गई है जिनमें रोमा, सुरमा, रंगा, रश्मि, पीताम्बरा, कोयम्बटूर, सुवर्णा, सुगना, श्रृंगलाग, कृष्णा, गुंटूर एवं मेघा आदि प्रमुख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।